कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बाउंड्री ग्रुप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एटलीस्ट वन बाउंड्री एंड वन बाउंड्री ग्रुप शुड बी क्रिएटेड फॉर SSN। हाउ विल यू क्रिएट दिस? क्लिक ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन हायरार्की कॉन्फ़िगरेशन एंड क्लिक ऑन बाउंड्रीज। ठीक है, पोस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ SSN जो हमारा फर्स्ट टास्क होगा वो यही होगा कि बाउंड्री कॉन्फ़िगर करना। जस्ट राइट क्लिक ऑन फ्री स्पेस, क्रिएट बाउंड्री, हियर यू नीड टू डिफाइन योर नेम ऑफ बाउंड्री और डिस्क्रिप्शन लाइक एनीथिंग यू कैन मेंशन लाइक दिस इज फॉर IT। हियर यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज द टाइप ऑफ बाउंड्री, IP subnet, IP address। तो मैं IP address रेंज से बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रेंज डाल दूँगा लाइक 192.168.0.26 192.168.0.254। ठीक है, ये एड्रेस मैंने डाल दिया, ये मेरी बाउंड्री बन गई। ठीक है, क्योंकि मेरी एक ही बाउंड्री है, एक ही नेटवर्क चल रहा है मेरे पास। अगर आपके पास मल्टीपल हैं तो नेटवर्क टीम आपको बताएगी कि कौन कौन से VLAN चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट कर लोगे। अभी मेरे पास एक ही नेटवर्क चल रहा है, तो सो आई एम क्रिएटिंग दिस ओनली वन बाउंड्री। उसके बाद आपको बाउंड्री ग्रुप बनाना है। बाउंड्री ग्रुप बनाने के लिए जस्ट राइट क्लिक करो आप, क्रिएट बाउंड्री ग्रुप। अब वही नाम दे दो आप बाउंड्री ग्रुप का, IT हब समथिंग। ठीक है, डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे आपको ऐड करवाना है जो बाउंड्री आपने बना रखी है, एक से ज़्यादा बाउंड्री बना रखी है तो उनको भी ऐड करवा सकते हो, एक बना रखी तो उसको भी ऐड करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको बाउंड्री ऐड करवानी है। ठीक है, सेकंड क्लिक ऑन रेफरेंस बटन एंड मेक श्योर दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, यूज़ दिस बाउंड्री ग्रुप फॉर साइट असाइनमेंट। तो क्या यूज़ है इस ऑप्शन का? एक्चुअल में ये ऑप्शन जब हमारी SSN मशीन को SSN का क्लाइंट पैकेज हम इंस्टॉल करते हैं तो वो एक साइट कोड पिक करता है। ठीक है, वो साइट कोड ऑटोमेटिकली पिक करता है बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग। तो वो इस ऑप्शन में कि जब अगर वो मशीन, क्लाइंट मशीन अगर इस बाउंड्री ग्रुप के अंदर आ रही है तो ये साइट कोड पिक कर ले, ये साइट पिक करे। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल साइट चल रही हैं यहाँ पे तो आप उनका नाम मेंशन कर सकते हो, बट अभी हमारे पास केवल ही। ठीक है, तो मेक श्योर दिस ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड, यूज दिस बाउंड्री ग्रुप फॉर साइट असाइनमेंट एंड असाइन साइट कोड एंड क्लिक ऑन ऐड बटन। आपको यहाँ पे अपने SSN सर्वर का जो जिस पे ये साइट चल रही है उसका पाथ देना है। तो अभी मेरे पास एक ही सर्वर है तो मैंने इसका ऐड कर दिया। ठीक है, जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, जस्ट क्लिक ऑन क्लोज। ठीक है, आफ्टर दैट वी नीड टू डिफाइन डिस्कवरी मेथड। तो बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप हमारे बन चुके हैं। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू कॉन्फिगर डिस्कवरी मेथड। ठीक है, व्हाट आई सेड इन इंग्लिश, आपको बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप अभी और कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट डिस्कवरी मेथड कंफिगर करना है। ठीक है, तो डिस्कवरी मेथड आप मेनली मैंने आपको बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम डिस्कवरी हम ज़्यादातर कंफिगर करते हैं, फॉरेस्ट डिस्कवरी अगर इफ़ वी हैव मल्टीपल फॉरेस्ट देन वी नीड टू डिफाइन, वी नीड टू कंफिगर ग्रुप डिस्कवरी एंड सिस्टम डिस्कवरी एंड यूजर डिस्कवरी। तो यूज़र सिस्टम डिस्कवरी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो सिस्टम डिस्कवरी को कॉन्फ़िगर करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करो इसके ऊपर और क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज बटन। ठीक है, यहाँ से आपको ये ऑप्शन मार्क करना पड़ेगा, इनेबल एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम डिस्कवरी, बाय डिफॉल्ट ये अनमार्क होते हैं क्योंकि डिसेबल होते हैं। जस्ट क्लिक ऑन स्टार बटन एंड आपको यहाँ से पाथ देना है, क्लिक ऑन ब्राउज। अगर आप यहाँ से IT हब चूज करते हो तो ये सभी OUs में से मशीनों को सर्च करेगा। इफ़ यू सिलेक्ट पर्टिकुलर OU तो इट विल सर्च मशीन्स ऑन ओनली फ्रॉम सिलेक्टेड OU। ठीक है,
तो अगर आप यहाँ पे OU सेलेक्ट करते हो तो जस्ट वहीं से सर्च करेगा, अगर आप यहाँ पे पूरा डोमेन सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर कितनी भी मशीन जो किसी भी OU में हो सबको सर्च कर, ठीक है। जस्ट क्लिक ऑन अप्लाई, यस एंड ओके। तो नॉर्मली मैंने क्या करा वहाँ पे पूरा ही डोमेन सेलेक्ट कर लिया ताकि उसमें कहीं भी किसी भी OU में मशीन जो सर्च हो जाए, ठीक है। अब बाउंड्री और बाउंड्री ग्रुप और डिस्कवरी मेथड कॉन्फ़िगर होने के बाद मशीनें सर्च होके कहाँ पे आएंगी मेरे पास, SSN कंप्लायंस के अंदर, डिवाइस कलेक्शन के अंदर, ठीक है। डिवाइस कलेक्शन मैंने बताया था आपको, चार तरह के डिवाइस कलेक्शन बाय डिफॉल्ट बने होते हैं। तो एक ऑल सिस्टम नाम का डिवाइस कलेक्शन बना होता है जिसके अंदर सारी मशीन होती हैं, ठीक है। व्हेन यू राइट क्लिक ऑन द ऑल सिस्टम डिवाइस कलेक्शन, क्लिक ऑन शो मेंबर्स, इसके अंदर आपको मशीनें जो भी हैं इसने सर्च करी है दिखा दे। तो अभी एक मशीन आ रही है SSN, बाकी दो अननोन मशीन होती हैं, 32 बिट के लिए, एक 64 बिट के लिए, बाई डिफॉल्ट आती है। तो ये SSN की मशीन जो है वो अभी आई है आपके पास। तो इस पर देखो क्लाइंट टाइप और क्लाइंट और साइड कोड कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो अभी ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसके ऊपर क्लाइंट का पैकेज इंस्टॉल नहीं है, वो कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो अभी इस वीडियो में हमने सीखा कि बाउंड्री कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बाउंड्री ग्रुप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और डिस्कवरी मेथड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम सीखते हैं कि डिवाइस कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और कितनी तरह के डिवाइस कलेक्शन, यूजर कलेक्शन हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।